इस वक्त सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100-100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं, 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खरगे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय,
उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो उस बात को दिखलाता है, अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है, किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर उनका बखान करूँ, ये शोभा नहीं देता, ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसीलिए मैं, आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है, और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन के इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं, या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि RPSC, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पे तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित RPSC है, मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से, और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है, जन संघर्ष यात्रा, लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए, उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। पद यात्रा है, जन संघर्ष पद यात्रा 11 मई को मैं अजमेर से शुरू करूंगा और हम जयपुर आएंगे। लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है, जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इश्यू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूँ, उनके बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये अभियान शुरू होगा 11 तारीख।
पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो राजनीतिक उत्सुकता यही बनी हुई है कि आपका स्टैंड क्या रहेगा, पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे। साहब मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमज़ोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक इश्यूज़ पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हजोड़ कर किया, अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल दो साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है अगर वो सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊँगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूँ कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही है, वो कह दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने शुरू में कहा ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यात्रा नौजवानों के पक्ष में है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। मैंने कहा है हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं, अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में। मैंने कहा ना आपको शुरू में, करप्शन तो कहीं पर भी हो उसके विरोध हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हम तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, उस पर हमें खरा उतरना है। और जो मुद्दे संज्ञान में आए थे, मैंने पूरा लिस्ट पिछली बार आपको किया था, उनमें से कहीं कहाँ कार्रवाई